आर्थ्रोपोडा, मोलस्का सब हम पढ़ चुके थे। तो अब हमारे पास जो फाइलम्स बचते हैं वो है आपके एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करेंगे आज। आई होप कि सब आ गए हैं, और किसी मतलब किसी को पता है कोई आने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? तो हम वेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे। हम आप स्टार्ट कर दो। ठीक है। सो जो अब हमारे पास फाइलम है आफ्टर मोलस्का, दैट इज एकाइनोडर्मेटा, विच इज अगेन एन एक्वेटिक फाइलम। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, मराइन वाटर्स में रहते हैं। ठीक है, बहुत स्लो मूविंग होते हैं और यूजुअली आपके मराइन वाटर्स के भी मतलब बॉटम में रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट है कि आप एग्जाम्पल याद कर लो। एकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है आपका स्टार फिश। तो इनकी बॉडी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल हो सकती है, मेलन लाइक हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, फ्लावर लाइक हो सकती है। अलग अलग शेप्स हैं इनकी बॉडी में जो कि दूसरे फाइलम से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इनकी बॉडी भी अनसेगमेंटेड होती है। फिर जैसे कि अभी तक हमने आर्थ्रोपोडा वगैरह में देखा था कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इस तरह की कुछ भी चीज़ नहीं होती है एकाइनोडर्मेटा में। एकाइनोडर्मेटा जो है उसमें बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है, कोई उनके पास हेड नहीं होता है, कोई थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसा कुछ भी डिफरेंसिएशन नहीं होता है। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ होती है विच इज़ इसका एक यूनिक फीचर है कि इनके पास ट्यूब फिट होता है। तो ट्यूब फीट जो है वो करता क्या है बेसिकली, ये अगर आप देखोगे स्टार फिश तो उसके सभी रेडियल आर्म्स में इस तरह का ट्यूब के फॉर्म में और ऐसे छोटे छोटे पंप्स जैसे लगे होते हैं। तो ये जो ट्यूब फीट है ये आपके सभी रेडियल एरियाज में होते हैं, मतलब ये जो इसके आर्म्स होते हैं ना, सभी आर्म्स में प्रेजेंट होता है ये ट्यूब फीट, और ये हेल्प करता है स्टारफिश को मूव करने में। ठीक है, इसके ये जो ट्यूब फीट है इसके अंदर बेसिकली वाटर फिल्ड होता है जो कि स्टारफिश ही एनवायरमेंट से लेता है, और इसमें एक हाइड्रोलिक प्रेशर मेंटेन करता है। तो इस हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसकी वजह से एकाइनोडर्मेटा जो है वो मूव कर पाता है, या स्टारफिश जो है वो मूव कर पाता है। आप ऐसा समझ लो जैसे वो वैक्यूम वाले स्टिकर्स नहीं होते हैं जो हम ग्लास पे लगाते हैं, ऐसे कुछ स्टिक करने के लिए कुछ हैंगिंग स्टिकर्स जो आते हैं, उस तरह की चीज़ है कि ये वैक्यूम क्रिएट करते हैं बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेशर से इन ट्यूब फीट में, जो कि इन्हें हेल्प करता है ऐसे वहाँ पे स्टिक होने में और या फिर उसे मूव करने में। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन जो ये जो आर्म्स है इनके मसल्स का कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन आपका इस ट्यूब फीट के थ्रू होता है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि इसके जो बॉडी वॉल है इसमें क्या क्या चीज है। तो इसका बॉडी वॉल जो है वो सिंगल एपिडर्मिस का लेयर होता है, सीलिएटेड होता है। तो आप कभी भी स्टारफिश को देखोगे तो वो ऊपर से आपको दिखेगा, सिर्फ सीलिया उसमें अलग से दिखता है। उसके अलावा इसकी जो डर्मिस होती है इसमें आपका मीजोडर्मल स्केलेटन होता है, कैल्केरियस स्पाइक्स होते हैं, इस तरह के स्पाइक्स आपको दिखते हैं। बेसिकली इनका काम होता है प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। ठीक है, और इनके अंदर जो मसल्स होते हैं दे आर स्मूथ मसल्स, सभी मसल्स इनके स्मूथ मसल्स होते हैं। ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, और इनमें जो सीलोम की लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड मीजोथीलियम सेल्स की होती है। अभी तक हम जो भी देख रहे थे एपिथीलियम सेल्स की लाइनिंग थी, उसमें मीजोडर्मल लाइनिंग थी वो एपिथीलियम सेल्स की, इसमें मीजोथीलियम सेल्स की लाइनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद इनके पास जो क्या कहते हैं, जो सीलोमिक फ्लूइड होता है उसमें अमीबॉइड सेल्स भी होते हैं जिसको हम सीलोमाइट्स कहते हैं। और इनका जो सीलोम होता है इनमें बहुत स्पेशलिटी होती है, इनके सीलोम में तीन तरह के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। जो बॉडी कैविटी है उसके बीच में तीन तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो कि आपका ये ट्यूब फिट जैसा जो सिस्टम है वो। हीमल सिस्टम, जो कि आपका क्या कहते हैं उसके बॉडी फ्लूइड के लिए, या ब्लड कह लो आप, ब्लड के लिए जो सिस्टम। और पेरी हीमल सिस्टम,
जो आपका जो पेरिहेमल सिस्टम है उसमें भी आपके ब्लड या ब्लड यूजुअली गैसेस ट्रैवल करते हैं। जो हीमल सिस्टम है वो एक्सक्लूसिवली आपका सिर्फ बॉडी फ्लूइड के लिए है, मतलब एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्लड के लिए है, वेयर जो पेरिहेमल सिस्टम है वो ब्लड के साथ साथ आपका गैसेस को भी ट्रैवल कराने में हेल्प करता है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए आपका पेरिहीमल सिस्टम है, ट्यूब फिट है आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और हीमल सिस्टम है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो तीन तरह के सिस्टम जो है वो आपको सीलोम में डिवाइडेड मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्यूब्यूलर नेटवर्क होता है पूरी बॉडी में, पूरे जो सीलोम होता है इट इज स्प्रेड वाया दिस क्या कहते हैं, इतने तीन सिस्टम से बिल्कुल स्प्रेड होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैम, ये जो मैड्रीपोराइट स्ट्रक्चर है हाँ मैम, ये आर्म में लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है क्या? नहीं, बेसिकली जो मेड्रीपोराइट है वो आपका वाटर सक्शन करने में हेल्प करता है। ये आपका क्या कहते हैं, एबोरल सरफेस पे होता है, ये वाटर सक करने में हेल्प करता है। ट्यूब फीट के अंदर जो वाटर आता है वो आपका मेड्रीपोराइट से आता है। तो हाँ, एक तरह से आपका लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। यस मैम। तो मतलब बेसिकली इनका इसका काम क्या होता है कि अगर आप देखोगे जो मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, जो वाटर होता है वो सलाइन वाटर होता है बेसिकली। तो ये जो मेड्रीपोराइट है इसका सीव जैसा सिस्टम होता है कि ये बाहर के एनवायरमेंटल चीज़ों को और जो बाकी सारे जो सॉल्ट्स वगैरह है, सॉल्ट्स तो नहीं कह सकते आप, मतलब जैसे सी का जो फ्लोर होता है उस पर और भी चीज़ें होती हैं, स्टोन्स, पार्टिकल्स, सैंड वगैरह, तो उन सब चीजों को ये फिल्टर करता है। ये एक तरह का सीव होता है मेट्रिकोराइट। ठीक है, यस मैम। सो वील मूव फॉरवर्ड, वील सी कि सी मैं ये बाकी सारी चीजें मेंशन नहीं कर रही हूँ, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सीलोमेट से सभी चीजें हमें पता है, तो मैं ये वापस से मेंशन नहीं करूंगी बार बार। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके लार्वल फॉर्म्स। जैसे कि हमने देखा था जो आर्थ्रोपोड्स थे उसमें भी बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स थे, और इसमें भी एकाइनोडर्मेटा में भी बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स हैं। तो कुछ जो है कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लार्वल फॉर्म्स हैं, जैसे डोलोरिया लार्वा जो है वो आपके फेदर स्टारफिश का होता है। ठीक है, ये आपको थोड़े एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। बाइपिनेरिया लार्वा जो होता है ये स्टारफिश का होता है। बाइपिनेरिया लार्वा आपका बाइलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा होता है। ठीक है, मतलब सभी आपको लार्वा की क्या क्या फीचर्स है वो याद करने की ज़रूरत नहीं, बट आपको थोड़ा सा कि कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या लार्वल फॉर्म है वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए। कि मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्टारफिश का लार्वल फॉर्म क्या है, तो इट्स बाइपिनेरिया लार्वा। तो ब्रिटल स्टार का क्या है, तो ऑफ्यूपीरियस लार्वा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जैसे आते हैं कि लार्वल फॉर्म्स क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें आपका ऑब्वियसली कि इसमें लार्वल फॉर्म्स है, इसमें मेटामॉर्फोसिस हो रहा है ये हमें पता है। उसके बाद ये कि इनका डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, लार्वल फॉर्म के थ्रू है तो इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर आता है जो कि हम सबको पता होगा कि स्टारफिश जो है इट हैज पावर ऑफ रीजनरेशन। तो ये अपना आर्म जो है जब जब इसको जरूरत होती है या डिफेंस पर्पसेस के लिए कहीं पे, स्टारफिश जो है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो एकाइनोडर्म्स होते हैं इट कैन नॉट मूव अ लॉट। ठीक है, तो हो सकता है कभी जो स्टारफिश है वो किसी स्टोन के अंडर आ गया, उसका आर्म कहीं पे फंस गया, तो वॉट इट डज एज अ डिफेंस पर्पज, ये अपना आर्म जो है खुद से ही कट कर लेता है, मतलब अपनी बॉडी से आर्म को ये डिटैच कर सकता है, तो इसको ऑटोटॉमी कहते हैं। तो ऑटोटॉमी से ये अपना आर्म जो है वो वहीं पे लीव कर देगा और बॉडी को लेके आ जाएगा, फिर ये अपना आर्म जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज वाई एकाइनोडर्म्स जो है बहुत जगहों पे हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारी लैब स्टडी कर रही है एकाइनोडर्म्स के बारे में कि कैसे ये पावर ऑफ रीजनरेशन जो है वो कैसे है कि अपना एक पूरा फीट जो है वो पूरा फीट रीजनरेट कर लेते हैं। पूरा फीट मतलब आप समझ रहे हो कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वैस्कुलर सिस्टम्स है
और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आपका स्टारफिश जो है वो रीजनरेट कर रहा है। तो उसको स्टडी किया जाता है काफी सारी जगहों पर। उसके बाद एक और फीचर होता है काइनोडर्म्स का कि व्हेन दे आर एंग्री और व्हेन दे आर फ्राइटेंड दे वॉमिट आउट विसेरा। ठीक है, बेसिकली विसेरा इज अ बॉडी फ्लूइड जिसमें कि सम अमाउंट ऑफ टॉक्सिन होता है। ठीक है, तो जस्ट कि जो प्रिडेटर है उसको फ्राइटन करने के लिए, या जब वो खुद फ्राइटन्ड होता है प्रिडेटर से, तो उस कंडीशन में इट वॉमिट आउट विसेरा, तो उसको एविसरेशन कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिक है एकाइनोडर्म्स के लिए, जैसे ऑटोटॉमी, एविसरेशन। तो ये सारी चीजें आपके एकाइनोडर्म्स में ही आपको मिलेंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? मैम, ये ऑरिकुलरिस और ब्रैंकियोलेरिया भी स्टारफिश के ही लार्वा है ना? नहीं, इसके मतलब मुझे ऐसे कॉमन एग्जांपल्स मिले नहीं, तो मैंने नहीं दिया है। तो मैम, ये आप, जैसे डायग्राम में जो दे रखा है ना, हाँ बाइपेनेरिया के, इसमें भी एस्टेरॉइड दे रखा है हाँ और तो ब्रैंकियोल बेसिकली दे रखा है। एस्ट्रोइड इज अ इज द टाइप ऑफ क्या कहते हैं, इज द बॉडी शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नॉट द ऑर्गेनिज्म। तो जैसे स्टारफिश है उसका एस्ट्रोइड शेप है। ठीक है, मतलब कि इस तरह का जो लार्वा है, जैसे बाइपिनेरिया लार्वा जो है वो एस्टेरॉइड शेप वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको बनाएगा। ब्रैंक्यूलेरिया भी जो है वो भी एस्टेरॉइड शेप के ही ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा। बट जो हम नॉर्मली जो स्टारफिश हम पढ़ते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के एकाइनोडर्म्स होते हैं जो कि स्टारफिश जैसे ही दिखते हैं शेप में, बट दोज आर नॉट द स्टारफिश। मैम, ऑक्टोपस इसी फाइलम में है ना? नहीं, ऑक्टोपस जो है वो आपका मोलस्क है, उससे फेलोपोडा है। तो मोलस्क में देर इज क्या कहते हैं, देर इज अ क्लास सेफेलोपोडा जिसमें कि विच मीन्स कि हेड के ऊपर यू हैव लेग्स। ठीक है, सेफेलोपोडा, तो सेफेलिस इज योर हेड एंड पोडा इज क्या कहते हैं अपेंडेजेस और समथिंग। तो सेफेलोपोडा जो है वो आपका मॉलस्क में आता है बेसिकली। आपको एविसरेशन की वजह से ऐसा लग रहा होगा कि मे बी वो इसी फाइलम में आता है, बट वो इस फाइलम में नहीं आता है। आपने देखा होगा ना जो मॉलस्क हम पढ़ रहे थे, दे हैव वेरी सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर। एकाइनोडर्म्स के, एकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो काइंडली रिजिड होते हैं। अगर आप कभी सी बीच वगैरह पे गए होगे तो आपको स्टारफिश जो है वो आपको दिखेगा, तो इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे स्टोन जैसा हो जाता है वो जब वो डेड हो जाता है तब। बट वैसे भी थ्रू आउट द लाइफ टाइम भी वो बहुत ऐसे स्ट्रांग रहता है। और एकाइनोडर्म्स में सभी बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके ऊपर ऐसे कैल्शियम के स्पिक्यूल्स होते हैं। देयर इज जो आपका मोलस्क होता है वो बहुत सॉफ्ट बॉडीड होता है। ऑक्टोपस भी जो है वो आपका सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है जिसके आपके हेड के ऊपर उसके लेग्स हैं। तो हम जो डायग्राम बनाते हैं ऊपर हेड और नीचे लेग्स, दैट इज नॉट द ट्रू डायग्राम, उसका उल्टा वाला इज द ट्रू डायग्राम। हेड के ऊपर उसके लेग्स होते हैं। बट मैम, वो मोलस्क में भी कैल्केरियस डिपोजिशन तो होता है ना? हाँ, मोलस्क में कैल्केरियस डिपोजिशंस होते हैं बट सब में नहीं होते। मोलस्क में ऐसा नहीं होता कि हर ऑर्गेनिज्म में यू विल हैव कैल्केरियस। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम देख रहे थे ना कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ऊपर शेल बन रहा था, जो एक्वेटिक है उनको इतना जरूरत नहीं थी। और ऊपर से जो सेफेलोपोड्स होते हैं, तो सेफेलोपोड्स जो वो मतलब वो इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे स्नेल्स वगैरह होते हैं, दे आर वेरी स्लो टू मूव, तो उनको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है। वेयर एज जैसे सेफेलोपोड्स होते हैं वो इतने लाइट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन फ्लोट एनीवेयर इन द वाटर, तो उन्हें इतना जरूरत नहीं पड़ती है प्रोटेक्शन की। ठीक यस है, मैम। सो अगेन हम एकाइनोडर्मेटा के क्लासेस नहीं देखने वाले हैं बिकॉज बहुत सारे हैं और रिक्वायर्ड नहीं है। तो काइनोडर्मेटा में जो इम्पोर्टेंट है वो है उसके लार्वल फॉर्म्स और उसके एग्जाम्पल्स, और इसके अलावा कि ये वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम में बढ़ेंगे विच इज़ योर हेमिकॉर्डेटा।
ठीक है, जस्ट बिफोर द कॉर्डेटा इज योर हेमी कॉर्डेटा। तो इसमें आपका नोटोकॉर्ड नहीं होता है, पोस्ट एनल टेल नहीं होती है, मतलब कुछ भी आपका कॉर्डेट्स जैसा नहीं होता, बट ऐसा माना जाता है कि हेमी कॉर्डेटा से ही कॉर्डेट्स बने हैं, कि बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो ये भी आपके सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसको, इसका कॉमन नेम जो है, ये भी मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम एकॉन वर्म कहते हैं ऐसे कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, इनकी बॉडी आपकी अनसेगमेंटेड होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल चिप्लोब्लास्ट होता है, ये सारी चीजें कॉमन है। सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी। ठीक है, इसमें जो बॉडी का जो डिविजन होता है, जो जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड तो नहीं होते हैं, पर इनमें जो बॉडी का डिविजन होता है वो ऐसा होता है कि प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। जैसे हम वहाँ पे देख रहे थे आर्थ्रोपोड्स में, इट वॉज हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमिन, बिल्कुल उसी तरह से है कि आपका प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ट्रंक मतलब आपका जो बॉडी जहाँ पे आपके सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, इनमें भी आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, जैसे कि हमने आर्थ्रोपोड्स में देखा था। इनके पास हार्ट होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने लास्ट हार्ट देखा था दैट वाज इन मॉलस्क, और इसमें भी हार्ट होता है। और इनके पास ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होते हैं इसमें, जो बॉडी के थ्रू रन करते हैं। ठीक है, और इनका जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज थ्रू गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है कि इनका जो एक्सक्रीशन होता है वहां पे ग्लोमेरुलस जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं। सो ग्लोमेरुलस जैसा स्ट्रक्चर मतलब कि आप सोचो कि अब धीरे धीरे जो नेफ्रॉन है उस तरह का डेवलपमेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है। उसके बाद इसमें एक हॉलो नर्व कॉर्ड हमें दिखती है, नर्व प्लेक्सस हमें दिखता है। नर्व प्लेक्सस जो है वो बहुत हद तक हमारे कॉर्डेट्स का क्या कहते हैं फीचर है, तो कॉर्डेट्स का फीचर है, इसीलिए हम इसे बेसिकली इसे हम हेमी कॉर्डेटा कहते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें बहुत सिमिलर मिलती है, जैसे कि ये हॉलो नर्व कॉर्ड का होना। अभी तक हम जितने भी फाइलम्स पढ़ रहे थे कहीं पे भी नर्व कॉर्ड नहीं थी, देर वॉज नॉट अ सेंट्रल नर्व कॉर्ड। सभी में क्या था कि आपकी सर्कमफेरेंशियल रिंग थी और या सेरिब्रल गैंग्लियन था, उससे ओरिजिनेट होने वाले नर्व्स थे। बट यहाँ पे यू हैव अ हॉलो नर्व कॉर्ड। ठीक है, फिर सब एपिडर्मल नर्व फ्लेक्सिस है। सो नर्व फ्लेक्सिस इज बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम अब डेवलप होने लगा है। इसके जो इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअली होता है, सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल इन द सेंस कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है या जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है वो आपका बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, इसमें जो डेवलपमेंट है वो आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसका जो लार्वल फॉर्म है वो दैट इज टॉर्नेरिया लार्वा, जो कि एकाइनोडर्म्स के लार्वा से कुछ सिमिलर दिखता है। बट ठीक है, एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि हेमिकॉर्डेटा का लार्वा कौन सा होता है, दैट इज टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है विलानोग्लॉसिस। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत डिफरेंट है। इस तो स्नेक जैसा ऐसा ही दिख रहा है। इसमें एक कॉलर होता है, बेसिकली कॉलर कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट अ मस्क्यूलर मस्क्यूलर पोर्शन है बेसिकली आपके प्रोबोसिस को स्टेडी रखने के लिए, ताकि प्रोबोसिस जो है वो ट्रंक पे जो है स्टेडी रहे, उसके लिए ये कॉलर का पोर्शन होता है। उसके बाद हमने देख ही लिया था कि हार्ट होता है इसमें, सब सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ठीक है, तो बहुत बहुत डिटेल इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या, बस थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है यूनिक, हर फाइलम की आपको यूनिक चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो मैम। सो वील मूव फॉरवर्ड टू कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा जो फाइलम है
उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चार फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक तो उसमें नोटोकॉर्ड होना चाहिए, डॉर्सल हॉलो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड होना चाहिए, जो कि हमें हेमिकॉर्डेटा में दिख रहा था, ठीक है, हमें नर्व कॉर्ड, हॉलो नर्व कॉर्ड दिख रहा था, तो वही नर्व कॉर्ड जो है वो एसेंशियली प्रेजेंट होना चाहिए कॉर्डेटा में, इसीलिए हम उसे हेमिकॉर्डेटा कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर तीसरी चीज है फेरेंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कह लो आप या लंग्स कह लो, एनीथिंग, ऐसे कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होना जरूरी है। और फोर्थ आता है आपका पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो पोस्ट एनल टेल बेसिकली क्या होता है, जैसे फिशेस में आप देखो कि टेल के पास यू हैव अ बोन सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच हेल्प्स द फिशेस टू मूव, तो इस चीज के लिए पोस्ट एनल टेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ह्यूमंस में भी पोस्ट एनल टेल आपको मिलता है, बट वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, मेमेलिया में वो पोस्ट एनल टेल जो है वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है, तो इसका फंक्शन खत्म हो जाता है एक्चुअली। तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती वो इवोल्यूशन के दौरान जो है वो ख़त्म हो जाती है या वेस्टिजियल हो जाती है वो, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं और पोस्ट एनल टेल है। अब कॉर्डेटा में जो है तीन मेजर मेजर सब फाइलम्स है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट, ठीक है। तो हम देखेंगे तीनों सब फाइलम्स को कि क्या क्या है उसमें। यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट हम थोड़ा कम डिटेल में देखेंगे और बाकी हम वर्टिब्रेटा को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। स्टिल मतलब ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है तो मैं बहुत ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जा रही, सिर्फ मैं उतना उतना बता रही हूँ जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो यूरोकॉर्डेट्स है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें गैमेट्स बाहर एक्सटर्नली ले करके और फिर जायगोट बाहर ही बन जाता है, तो फिर वो वैसा ही रहता है एक्सटर्नल, लाइक उसका हैचिंग वगैरह कुछ नहीं। जैसे आपको पता है क्या, फ्रॉग में भी जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो जैसे उसमें होता है ना क्या होता है कि फीमेल जो है वो अपना एग कहीं पे ले करती है, मेल उसके नियर अबाउट आके जो है अपने स्पर्म्स जो है वो रिलीज करते हैं और बाहर ही जो है फ्यूजन हो जाता है। और ये जो फीमेल जो गैमेट्स रिलीज करती है ना बेसिकली उनमें योक होता है, तो योक जो है वो आपका जाइगोट के डेवलप, जो आपका जाइगोट बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है उसके डेवलपमेंट में वो हेल्प करते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल चिकन के एग्स होते हैं उस तरह से, कि योक जो है वो हेल्प करते हैं डेवलपमेंट के लिए एज सच। और ऐसे हैचिंग का भी कुछ ऐसा नहीं होता कि उसे टेम्परेचर चाहिए, जैसे हैन के एग्स में होता है कि टेम्परेचर चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होती है इसमें। सो मैम उसको प्रोटेक्ट कौन करता है प्रेडेटर्स से? एक्चुअली कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है प्रेडेटर से, कभी कभार जो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद ही अपने एम्ब्रियोज खा जाते हैं, तो उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है, बट वो इतने ज्यादा नंबर में रिलीज करते हैं अपने एग्स, इतने ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि कौन सर्वाइव कर रहा है कौन सर्वाइव नहीं कर रहा है। यस मैम। जैसे कि ह्यूमंस है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स है वो जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, डॉग जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमंस अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बट ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें वो डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है कि हाँ दिस इज माई एम्ब्रियो और दिस इज माई एग, आई विल नॉट ईट दिस और समथिंग, दे ईट देयर ओन एग। Yes, ma'am. So moving on to यूरोकॉर्डेट्स, तो यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है, यूरोकॉर्डेट अगर आप देखोगे तो देखने में आपको बिल्कुल स्पॉन्ज जैसा लगेगा, जैसे कि पॉरीफेरा था ना उस तरह का, बट इसमें सभी चीजें जो है सारे क्या कहते हैं सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपको इसमें मिलते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होती है विच इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसका जो लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म में आपको सभी ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, इनफैक्ट जो नोटोकॉर्ड या जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है वो सारी चीजें भी जो है वो आपको इसके लार्वल फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। बट जैसे ये डेवलप होता जाएगा ये सारी सारे ऑर्गन जो है वो लूज करता जाएगा। सॉरी। तो
जो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये सारे जो आपको कॉर्डेटा के फीचर्स दिख रहे हैं ना, ये इसके लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, बट इसका जो एडल्ट फॉर्म होगा ये आपका बिल्कुल सिडेंट्री होगा, फ्री लिविंग नहीं होगा, किसी ना किसी सरफेस पे अटैच्ड होगा, जैसे कोरल्स होते हैं ना उस तरह के आपको दिखेंगे, मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी, ठीक है। इसमें जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू फेरेंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद इसके पास अगर आप देखोगे तो इनके पास साइफन होता है, ठीक है। साइफन क्या होता है, जैसे कि हमने स्पॉन्जेस में पढ़ा था ना, ऑपरक्यूलम था उसमें, उसी तरह की चीज होती है साइफन। तो इट एक्ट एज माउथ, और एक और साइफन होता है जो कि आपका एनस जैसा एक्ट करता है बेसिकली। तो ये माउथ है और ये एनस है, तो इसमें साइफन होता है, जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें आपको माउथ पार्ट्स फिर देखने को नहीं मिलते, वेयर एज जो आपका लार्वल फॉर्म होता है वो बहुत डेवलप्ड होता है, उसमें माउथ पार्ट्स होते हैं और वो फ्री लिविंग होता है, वो सिडेंट्री नहीं होता है बेसिकली, किसी सबस्ट्रेट से अटैच नहीं होता है। उसमें आपको वैस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से मिलता है, हार्ट मिलता है, सारी चीजें आपको उसी में मिलती हैं, ठीक है। फिर जो आपका लार्वल स्टेज है उसमें आपको डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड भी मिलता है, जो कि आपका कॉर्डेटा का फीचर है, बट वो आपका रिड्यूस्ड हो जाता है जब आपका एडल्ट फॉर्म बनता है, क्योंकि एडल्ट फॉर्म को जरूरत नहीं, वो किसी ना किसी सरफेस से अटैच होके और अपना बाकी का लाइफ जो है वो स्पेंड कर देता है, ठीक है। तो हम अभी तक जितना भी हम मेटामॉर्फोसिस देख रहे थे, या जहाँ पे भी लार्वल फॉर्म से जब भी आपका एडल्ट फॉर्म बन रहा था, तो वो लार्वल फॉर्म जो है वो प्रिमिटिव था, लार्वल फॉर्म जो है उसमें बहुत कम फीचर्स थे, और एडल्ट फॉर्म बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड था। बट दिस इज द फाइलम जहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में मेटामॉर्फोसिस हो रहा है बेसिकली। लार्वा ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू द एडल्ट, ठीक है। तो ये भी एक नेचर का वो है कि सम यूनिक थिंग। फिर इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है इनके सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, बट इनका भी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल ही होता है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, हर्डमेनिया या एस्किडियन का, विच इज दिस ऑर्गेनिज्म जो हमने अभी इस वाले पेज पे देखा। तो इसका जो लार्वल फॉर्म होता है वो बिल्कुल फ्री लिविंग होता है। अगर आप देखोगे इसमें हार्ट है, इसमें नोटोकॉर्ड है, टेल है, नर्व कॉर्ड है, पैरिंग्स है, सारे सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे इसका मेटामॉर्फोसिस होता जाता है, वैसे वैसे ये चीजें जो है धीरे धीरे आपकी लूज होने लगती है, मतलब कि जो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है वो क्या कहते हैं, उसका डीजेनरेशन हो जाता है। फिर इसमें जो आपके फिर इसमें एंडोस्टाइल का डेवलपमेंट होने लगता है। बेसिकली एंडोस्टाइल जो है इट इज एन फिल्टर फॉर फीडिंग। जैसे ये था आपका जो लार्वल फॉर्म था वो तो फ्री लिविंग था, इट कैन एक्वायर फूड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। उसे सेंस था, उसके पास नर्व कॉर्ड था, उसे सेंस था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस तरह की चीजें। तो एंडोस्टाइल जो है वो बेसिकली एक फिल्टर है जो कि आपकी फीडिंग में हेल्प करता है कि किस तरह का फूड जो है उसे इंजेस्ट करना है, किस तरह से नहीं करना है, ये सारी चीजें। तो ये धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। फिर आपका जो नोटोकॉर्ड है वो डीजनरेट होने लगता है, सारे ऑर्गन्स जो है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं, मतलब इस तरह के। जैसे नर्व कॉर्ड भी जो है, नर्व कॉर्ड जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है वो धीरे धीरे एक सिंगल नर्व में कन्वर्ट हो जाती है नर्व कॉर्ड से, ठीक है। और फाइनली ये एडल्ट बन जाता है जो कि ऐसा स्पॉन्ज जैसा होता है, किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड होता है और वो वहीं पे अपनी बाकी लाइफ जो है वो स्पेंड कर देता है। सो दैट इज अबाउट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड टू सिफेलोकॉर्डेटा, जो कि दूसरा सब फाइलम है तो कॉर्डेटा का। तो सिफेलोकॉर्डेटा जो है उसमें सिफेलोकॉर्डेटा क्यों? क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो हेड से लेके टेल तक थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा नाम से पता चल रहा है,
हम हेड टू टेल की बात करते हैं, ठीक है। सेफेलस मतलब हेड होता है। फिर इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक हम देख रहे थे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरोकॉर्डेट्स में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इसमें फिर हार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो ऐसे जो नेचर है वो कुछ ट्रायल एरर करते हुए इवोल्यूशन होता है। तो सिर्फ एलोकॉर्डेट्स में यू डोंट हैव अ हार्ट बट यू हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं जिसमें कि सोलेनोसाइट्स होते हैं। सोलेनोसाइट्स जो होते हैं वही आपके क्लेम सेल्स हैं जो हमने वहाँ पे पिछले फाइलम्स में देखा था। वही बेसिकली इनका काम सिंपल होता है, वही फिल्टर करना ही इनका काम होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये बॉडी के अंदर रिटेन करेंगे, जो तो वेस्ट मटेरियल उसको ये बाहर थ्रो आउट कर देंगे, ठीक है। इन इनमें भी आपको डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड दिखता है, ठीक है। बट इसमें कोई गैंग्लिया नहीं होता है, कि विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन इसमें कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता है। नर्व कॉर्ड तो होता है बट जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना कि एक एक सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, तो वो इसमें मिसिंग होता है, बट नर्व कॉर्ड तो प्रेजेंट है। इसमें भी आपके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। अगर आप देखोगे एक्चुअली सेफेलोकॉर्डेट्स को तो आपको फिश जैसे ही लगेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा, वो फिश ही होते हैं एक एक टाइप के। तो बेसिकली दे आर फ्री लिविंग फिशेस, एक्वेटिक तो होते ही हैं, ज़्यादा इनको फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट फिशेस से कैसे डिफरेंट होते हैं कि फिश जो होते हैं फिश पे स्केल्स होती हैं, बट इनकी बॉडी जो है इनकी बॉडी बहुत ऐसे स्लाइमी होती है, और अगर आप उसे मतलब पकड़ने की कोशिश करोगे तो इट विल स्लिप आउट ऑफ योर हैंड। उसकी बॉडी के ऊपर एक स्लाइमी लेयर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है उसको, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ होती है इससे सेफेलोकॉर्डेटा में, इट हैज़ एन एट्रियोपोर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एट्रियोपोर इज, इनकी जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी से जो ये फूड इंजेस्ट करते हैं, ये सॉलिड फूड मतलब इंजेस्ट ऐसे स्पेसिफिकली चुन चुन के सॉलिड फूड इंजेस्ट नहीं कर सकते, वो इंजेस्ट करते हैं वाटर, ठीक है। वाटर के साथ जो भी सॉलिड फूड आ रहा है वो उसे इंजेस्ट कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत फिल्टर हो जाता है बकल सीरी से। बकल सीरी जो है वो आपका सीलिया जैसे चीज है, ठीक है, टेंटिकल सॉर्ट ऑफ, आप ऐसे मान लो, सीलिया तो नहीं, टेंटिकल जैसा। तो ये थोड़ा बहुत तो फिल्टर करते हैं बट मोस्टली आपका वाटर के साथ आपका जो भी सॉलिड मटेरियल है वो अंदर आ जाता है। बट हमें जो चाहिए वो न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर जो वेस्ट वाटर होता है जो एक्स्ट्रा वाटर उसके साथ आ जाता है वो इस एट्रियोपोर के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, बाकी इसमें ऑर्गन सिस्टम्स वही है, सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं वो मेंशन नहीं कर रही कि ट्रिप्लोब्लास्टिक सील, अब जो भी पढ़ेंगे सब कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सब कुछ ट्रू सीलोमेट ही होंगे सारे, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? मैम, यूरो कॉर्डेट से सारे फाइलम मतलब सब क्लासेस में होलो नर्व कॉर्ड रहेगी ना? हाँ यस मैम। सो फाइनली हम जहाँ पे पहुंचते हैं दैट इज वर्टिब्रेटा, व्हिच इज आल्सो नोन एज क्रेनिएटा। क्रेनिएटा क्यों? क्योंकि इनके जो हेड होता है उसके हेड में भी यू हैव अ हार्ड बोन, यू हैव अ स्कल, इसीलिए इसको क्रेनिएटा बोलते हैं। मतलब इसका जो ब्रेन है व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाय सम हार्ड कवरिंग या कार्टिलेज, डिपेंड्स ऑन द टाइप, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो एक रेनिएटा और क्रेनिएटा, बेसिकली एक रेनिएटा में आपके सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स आते हैं, और क्रेनिएटा जो है उसमें आपके वर्टिब्रेट्स आते हैं, ठीक है। इस तरह का थोड़ा एक क्लासिफिकेशन भी है। तो बेसिकली पीपल क्लासिफाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है, बट ये है तीनों सब फाइलम्स ही। तो इसमें वर्टिब्रेट्स हैं तो फीचर्स तो वो होंगे ही जो कॉर्डेट के हैं। उसके अलावा इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है कि विथ डेवलपमेंट इनका जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, या वर्टिब्रल कॉलम विच इज ह्यूमंस में इस तरह का मिलता है। तो जो नोटोकॉर्ड है उसी में ऐसे डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है, बोनी डिस्क बन जाते हैं विच फॉर्म्स योर नोटोकॉर्ड,
और जो पोस्ट एनल टेल होती है ना, वो इस तरह से नीचे की ओर एक छोटा सा बोन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके वर्टिब्रेट का फीचर है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम बनता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब फाइलम। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम, नो मैम। ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। वैसे तो वर्टिब्रेटा के बारे में हमें सारी चीजें पता है, बट हम फिर से एक बार फटाफट से रिवीजन सा कर लेंगे। तो बेसिकली वर्टिब्रेट्स में यू हैव फाइव क्लासेस, विच इज स्पाइसेस, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड क्या कहते हैं, मैमल्स। तो पाइसेस जो है, पाइसेस आपके फिशेस होते हैं, ठीक है, एक्टोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड इन द सेंस कि कोल्ड ब्लडेड क्यों कहा जाता है इनको, तो ये जो है एनवायरनमेंट के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वही इनके बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, बल्कि ये एनवायरनमेंट के साथ साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर ये एग्ज ले करते हैं, ये तो हमें पता ही है, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है। ठीक है, उसके बाद ये फुल्ली एक्वेटिक होते हैं, पाइसेस जो है वो सभी एक्वेटिक होते हैं। इसमें लिम्स आपके मॉडिफाइड होते हैं, लिम्स जो है वो फिन्स बनाते हैं, बेसिकली जो लिम्स हो गए या अपेंडिजेस आप कह लो, तो वो फिन्स के फॉर्म में होते हैं। और इनमें जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो आपका थ्रू गिल्स होता है, गिल्स के थ्रू आपका गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, पाइसेस में यू हैव टू सब क्लासेस, विच इज वन इज फॉर कार्टिलेजिनस फिशेस एंड द अदर इज द बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो कार्टिलेजिनस वो जो आपके यूजुअली मराइन एनवायरनमेंट में ज्यादा रहते हैं, शार्क और इस तरह के जो फिशेज हैं वो आपके कार्टिलेजिनस फिशेज में आते हैं, और बोनी फिशेज वो जो यूजुअली लोग खाते हैं, बेसिकली जो रिवर में या फ्रेश वाटर में जो मिलते हैं वो होते हैं आपके बोनी फिशेज। तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट कुछ कुछ डिफरेंस होता है। जैसे ये जो पाइसेस होता है, इसमें ये तो आपको पता ही होगा कि इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है ताकि ये इजीली वाटर के अंदर मूव कर पाए, बट दोनों की बॉडी में बॉयंसी मेंटेन करने के लिए, बॉयंसी के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो जो आपके बोनी फिशेज होते हैं उसमें बॉयंसी मेंटेन करने के लिए आपका एक स्विम ब्लैडर होता है, सॉरी गैस फिल्ड स्विम ब्लैडर होता है, जो जो कि आपके फिश की बॉडी को लाइट रखता है। वेयर एज जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उसमें यही काम जो है ये उनका लिवर करता है, विच इज वेरी ऑयली। तो ऑयल जो है आपको पता होगा कि वाटर से ऊपर फ्लोट होता है, तो ये ऑयली लिवर जो है बॉडी को बॉयंसी प्रोवाइड करता है, फिशेस को अच्छे से फ्लोट करने में या स्टेडी रहने में हेल्प करता है। उसके बाद रेस्पिरेशन जो है, जो बोनी फिशेस होते हैं उनमें रेस्पिरेशन बहुत हद तक आपका स्विम ब्लैडर से ही हो जाता है। ठीक है, तो स्विम ब्लैडर जो है वो यहीं पे रहता है, गिल्स के अराउंड ही रहता है, जो हेल्प करता है इन्हें फ्लोट करने में। और जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उसमें रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गिल्स के थ्रू होता है, जिसमें कोई स्विम ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। और इसमें जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उसमें कभी कभी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल हो सकता है, विच इज वेरी रेयर, बहुत रेयर। ऐसे एक एक आध दो स्पीशीज होती हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट यूजुअली पाइसिस का तो है ही कि एक्सटर्नल ही होगा फर्टिलाइजेशन, और जो डेवलपमेंट है वो भी एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इनके स्केल्स में डिफरेंट डिफरेंस होता है बेसिकली। तो जो आपकी कार्टिलेजियस फिशेज होते हैं उनके पास प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, मतलब कि रफ स्केल्स होते हैं इनके, ठीक है, ऐसे स्पाइक जैसे स्केल्स होते हैं। वेयर एज जो आपके बोनी फिशेज होते हैं उसमें साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, मतलब कि आपके सर्क्युलर स्केल्स होते हैं, ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं। तो नॉर्मली फिशेज जो मार्केट में आपको दिखती हैं या जो लोग खाते हैं उनपे जो स्केल्स होते हैं वो यूजुअली इस तरह के साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, सर्कल सर्कल, जो हम नॉर्मली भी फिश का डायग्राम बनाते हैं उसमें इसी तरह का सर्कल सर्कल वाले हम स्केल्स बनाते हैं।
जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो बहुत हार्श एनवायरमेंट में रहती हैं, बहुत सारे प्रेडेटर्स से उन्हें बच के रहना पड़ता है, तो दे हैव लैकोइड स्केल्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? मैम जस्ट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सॉरी, थोड़ा अर्जेंट वर्क आ गया था। या तो पाइसेस से किसी को कुछ डाउट? सो वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास विच इज एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो है वो क्या होते हैं, वो आपके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और वो आपके एक्वेटिक भी होते हैं। बेसिकली वो दोनों जगहों पे अपना जो लाइफ टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप एग्जांपल देख लो कि फ्रॉग जो है वो आपके लैंड पे भी रह सकता है, वेयर एज वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रह सकता है। वो स्विम भी कर सकता है, वो वॉक भी कर सकता है, वॉक इन अ सेंस हॉप वॉट एवर। तो और इनके बॉडी के ऊपर यू हैव अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट से। जैसे कि पाइसिस के पास स्केल्स थे, उस तरह से इनके पास स्केल्स तो नहीं होते, बट इनके एक क्यूटिकल का लेयर होता है जो कि इनको हेल्प करता है
वाटर में ये डीके ना हो, स्किन खराब नहीं हो। यूजुअली दीज आर कार्निवोर्स, मोस्टली एम्फीबियंस आर कार्निवोर्स, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। इनकी जो ब्रीदिंग होती है वो यूजुअली आपके स्किन के थ्रू होती है, बट हाँ इनके पास भी गिल्स होते हैं, बुक लंग्स भी होते हैं इनके पास, बट मोस्टली मेजोरिटी जो है वो स्किन के थ्रू ब्रीद करते हैं। ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ साथ ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज करते हैं। उसके अलावा जो एग्स हैं, एग का फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे स्पेशलिटी नहीं है, बस इसकी यही स्पेशलिटी थी कि ये जो है ये दोनों लैंड और वाटर दोनों पे साइमल्टेनियसली रह सकता है, ठीक है। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनके आईज के ऊपर यू हैव अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि इस जब ये वाटर में जब स्विम करता है तो इसके आईज को ये प्रोटेक्टेड रखता है फ्रॉम द वाटर, ताकि वाटर के अंदर आईज ना आईज के अंदर जो है वो वाटर ना चला जाए, इसके लिए इट हैज अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? मैम, ये मेम्ब्रेन तो कुछ फिशेज में भी होती है ना? हाँ फिशेस में भी होती है, फिशेस में भी प्रेजेंट होती है, कि वो भी आपके जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो जो भी ऐसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहेगा जो पूरी तरह से वाटर के अंदर से जाने की कैपेसिटी होगी, उनके आईज के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिंग लेयर तो होती है, मैम, ये ठीक है। नॉर्मल तो आईज का डेवलपमेंट फिशेज से शुरू हुआ ना? जो आई का डेवलपमेंट है वो आर्थ्रोपोड के बाद डायरेक्ट हमने पाइसेस में देखा है ना? हाँ, मतलब जो प्रॉपर आईज का जो डेवलपमेंट है वो आपको आर्थ्रोपोड्स के बाद पाइसेस में ही दिखेगा। सो वी मूव फॉरवर्ड, फटाफट से रेप्टाइल्स और एव्स देखेंगे। वही रेप्टाइल्स जो है वो आपके यूजुअली क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपके बॉडी के थ्रू क्रॉल करते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रेप्टाइल्स में एक और चीज खासियत होती है कि इनके पास बैकबोन जो है वो आपको दिखने लगता है, जैसे कि हम हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन जो है वो आपको रेप्टाइल्स में दिखने लगता है। फिशेस में भी दिखता है पर थोड़ा डीजनरेट होता है उसमें, उसमें इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता, बट रेप्टाइल्स में बहुत अच्छे से आपको बैकबोन दिखता है, ठीक है। और इनके बॉडी के ऊपर भी स्केल्स होते हैं, ये आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत रेयरली एक आध दो कुछ रेप्टाइल्स होंगे जो आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रहते होंगे, बट मोस्टली दीज आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, बट इनके बॉडी के ऊपर भी स्केल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रेप्टाइल्स जो हैं वो बहुत हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है। और इन इनमें जो आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है वो भी आपका थ्रू एग्स ही होता है, बहुत फ्यू ऑर्गेनिजम्स होंगे जो डायरेक्टली किसी यंग वन को बर्थ देंगे, यूजुअली इनका डेवलपमेंट वही एग के थ्रू होता है। उसके बाद इसके जो स्केल्स होते हैं, इनके स्केल्स जो है ये केराटिन के बने हुए होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो बहुत हार्श एनवायरमेंट में रहते हैं, तो ताकि स्किन जो है वो वाटर लॉस से प्रोटेक्टेड रहे, इस वजह से इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। और ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि बॉडी खुद का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और यूजुअली इनका जो हार्ट होता है, हार्ट इनका थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, तो ओनली रेप्टाइल विच हैज अ फोर चेम्बर्ड हार्ट इज योर क्रोकोडाइल, उसके अलावा बाकी सारे रेप्टाइल्स जो दे हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट। फिर एव्स देख लेंगे हम। एव्स जो है दोज आर बर्ड्स, जो कि अगर आप बर्ड्स का स्केलेटन देखोगे और ह्यूमंस का स्केलेटन देखोगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बोन्स जो हैं आपको सिमिलर मिलेंगे, बट जो एव्स होते हैं उसमें जो बोन की क्वालिटी होती है वो ही डिफरेंट होती है। दे हैव न्यूमेटिक बोन्स, मतलब हॉलो बोन्स होते हैं, डेंसिटी बोन डेंसिटी कम होती है, तो ये न्यूमेटिक बोन्स जो हैं जो हॉलो होते हैं ये इनको इनकी लाइट वेट का रीजन होते हैं, ये लाइट होते हैं इसीलिए दे कैन फ्लाई,
ठीक है, तो इनके जो फोर लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स तो वैसे ही होते हैं, लेग्स जैसे होते हैं, बट जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं फ्लाइंग के लिए। ठीक है, उसके बाद इनके इनके लेग्स पे तो स्केल्स होते हैं, बट जो बॉडी होती है वो स्केल से कवर्ड नहीं होती, बल्कि फेदर्स से कवर्ड होती है। तो फेदर्स भी जो है वो भी आपको कुछ हद तक एड करते हैं फ्लाइंग में, क्योंकि बहुत लाइट होते हैं तो वो एयर पास होने में हेल्प करते हैं। फिर इनका जो माउथ पार्ट होता है, जो प्रोबोसिस पार्ट होता है, वो इनका मॉडिफाइड होता है बीक में। ठीक है, इनके बोन्स में मैंने आपको पहले बताया कि एयर कैविटीज होती हैं। इनका नर्वस सिस्टम जो है ये बहुत वेल डेवलप्ड होता है। और अब यहाँ से एव से स्टार्ट होता है फोर चेम्बर्ड हार्ट, जो कि आपको मैमल्स में भी देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट फोर चेम्बर्ड हार्ट जो है वो आपको एव्स में दिखेगा। बाकी इनकी बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है, वही जैसे कि फिशेस की स्ट्रीमलाइन होती है कि वो वाटर में मूव कर पाए, वैसे ही एव्स की जो है वो स्पिंडल शेप्ड होती है, ताकि वो इजीली फ्लाई कर पाए, एयरवे को कट कर पाए। ठीक है, बाकी आप सबको पता ही है रेप्टाइल्स एव्स का सब कुछ, कुछ ऐसे न्यू नहीं है। बाकी जो फीचर्स हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम हो गया, डोर्सेटिब्यूलर नर्व कॉर्ड हो गया, पोस्ट एनल टेल हो गई, ये सारी चीजें तो इसमें प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा जो एव्स है उसमें आपका जो ब्रीदिंग है, जो रेस्पिरेशन है, वो लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो मैम, मैम रेप्टाइल्स में किसी रेस्पिरेशन हो रहा था? रेप्टाइल्स में एक्चुअली डिपेंड करता है, किसी किसी में गिल्स के थ्रू होता है। जैसे कोबरा होता है तो कोबरा के पास गिल्स होती हैं, बुक गिल्स होती हैं इनके पास, बट मोस्टली आपका बुक लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन मोस्टली। कुछ ऐसे एक आध दो स्पीशीज होते हैं जिनमें बुक गिल्स भी प्रेजेंट होती हैं। मैम इनका कनेक्टिंग लिंक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ना फाइलम के? हाँ, फाइलम में कनेक्टिंग लिंक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, पता ही है आपको, आर्कियोप्टेरिक्स है, रेप्टाइल्स और एव्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक। मैम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में कौन सा है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में भी है एक, क्या नाम है उसका, जी आर्कियोप्टेरिक्स तो बहुत फेमस है, इसलिए हाँ उसका भी कुछ एक नाम है। हाँ, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे कि रेप्टाइल्स और इसके बीच में क्या कनेक्टिंग लिंक है। रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक प्लैटिपस है, बट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि कनेक्टिंग लिंक क्या है। ठीक है, मैं आपको या तो पढ़ के बता दूंगी कि क्या है, क्योंकि मुझे भी नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा ओके मैम। मैम इसके अंदर सेमोरिया करके ऑर्गेनिज्म शो हो रहा है। हाँ 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 करेक्ट। सिमोरिया जो है वो कनेक्टिंग लिंक होता है, करेक्ट, और मुझे पता नहीं है कि सिमोरिया दिखता कैसा है, आई हैव नेवर मैम सीन। यूजुअली तो हम आर्कियोप्टेरिक्स ही पढ़ते हैं, सिमोरिया जो है वो बहुत रेप्टाइल जैसा ही दिखता है कुछ तो। बट मैम वो भी एक्सटेंट हो चुका है तो हाँ मोस्ट, आर्कियोप्टेरिक्स। हाँ मोस्टली सारे कनेक्टिंग लिंक्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। प्लैटिपस भी जो है एक्चुअली एक्सटिंक्ट के वर्ज पे ही है, कि जो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है ना प्लैटिपस, वो भी। मैम इन लोगों के लिए लिविंग फॉसिल्स वर्ड भी यूज होता है ना? हाँ, लिविंग फॉसिल्स उनके लिए यूज होता है, जिनमें कि आपको बहुत प्रिमिटिव तरह का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। हाँ, वर्ज ऑफ एक्सटेंशन वालों को भी आप कह सकते हो वैसे, बट यूजुअली उनमें जिसमें ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, उनको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। यस मैम। ओके,
सो वी मूव फॉरवर्ड टू द फाइनल क्लास विच इज मेमेलिया, इसके बारे में सबको पता है. ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने मेंशन की. एक तो कि एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब कि ये जो अपना बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं, मतलब एनवायरमेंट में टेम्परेचर कुछ भी हो वो खुद का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में ही रखते हैं, ताकि जो सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर चल रही है वो चलती रहे. तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है. इनके बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स नहीं होते बल्कि हेयर होते हैं या फर होते हैं. ठीक है, इनके पास इम्पोर्टेंटली दे हैव स्वेट ग्लैंड्स, जिनके थ्रू टॉक्सिक मटेरियल्स या वाटर जो है वो इवेपोरेट हो सकता है या बाहर निकल सकता है. ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं. फिर इनके पास ईयर के अंदर दे हैव बोन्स. अभी तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास दे डिड नॉट हैव एन एक्सटर्नल ईयर, कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं था. तो ईयर था वो सिर्फ एक ऐसे पोर के फॉर्म में था. ठीक है, एक पोर बॉडी सरफेस पे एक पोर था जिसके थ्रू साउंड जो है जा सकता है, और वो साउंड को या जो स्किन है स्किन के थ्रू वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह के थे. अब मैमल्स जो है उसमें आपको एक्सटर्नल ईयर मिलता है, ईयर के अंदर बोन्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये आपका थोड़ा डिफरेंट है. ईयर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है मैमल्स की. उसके बाद इसमें एक रीजन होता है विच इज नोन एज नियोकॉर्टेक्स, जो ब्रेन में डेवलप होता है. अभी तक के जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनमें भी, जैसे जो एव्स हो गए रेप्टाइल्स हो गए, सब में ब्रेन था. ठीक है, बट जो ब्रेन था अब मैमल्स में जो है एक स्पेशल रीजन डेवलप होने लगा है जो कि सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन और हियरिंग का काम करता है, जिसको नियोकॉर्टेक्स कहते हैं. ठीक है, वो भी आप जो रेप्टाइल्स हो गए या एव्स हो गए वो भी आपकी हियरिंग का काम कर रहे हैं, वो भी आपका देख रहे हैं, बट स्पेशलाइज डेजिग्नेटेड रीजन नहीं था ब्रेन में, तो मैमल्स में वो डेवलप हो गया. हेट्रोडोंट होते हैं मैमल्स, ये तो आपको पता ही है, स्पेशलाइज टीथ होती है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है. मैंने बताया था कि एब से स्टार्ट होता है फोर चेम्बर्ड हार्ट, और मैमल्स में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो बाकी सारे तो मैमल्स के फीचर्स आपको पता ही है, जो नर्व कॉर्ड है, जो आपका नोटोकॉर्ड है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, नर्व कॉर्ड जो है वो सेंट्रल जो है स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, तो ये आपका जो था इतना ही था फॉर द एनिमल किंगडम. मैम टीथ अगर देखा जाए तो आर्थ्रोपोड में होते हैं और मैमल्स में होते हैं? नहीं नहीं टीथ आपको सभी में मिलते हैं, बट ऐसे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था. तो टीथ जो है मोस्टली आपके होमोडोंट सॉर्ट ऑफ मिलते हैं, रेप्टाइल्स में आपके हेट्रोडोंट होते हैं कि दे हैव स्पेशलाइज्ड टीथ फॉर बाइटिंग एंड ये सारी चीजें. एव्स में जो है टीथ बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है क्योंकि दे हैव बीक, तो बीक के अंदर जो टीथ होते हैं वो बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, और पाइसेस में हर फंक्शन को अलग अलग परफॉर्म करने के लिए एक ही तरह के आपको टीथ मिलेंगे वहाँ पे. एम्फीबियंस में भी होते हैं? हाँ, एम्फीबियंस में भी टीथ होते हैं. ओके, किसी को कोई और डाउट? नो मैम. ओके, थैंक यू. तो ये लास्ट लेक्चर था, अब देखते हैं, शायद मैं आगे और लेक्चर्स नहीं लूंगी शायद. तो बाकी मैं अवेलेबल रहूंगी, आप लोगों को जो भी डाउट्स हो या कुछ भी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.